नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया पुरस्कार सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नेपाल के भूकंप प्रभावित की मदद के लिए 6 लाख से अधिक के चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपे गए। और उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में विश्वविद्यालयों की समीक्षा की। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों को 6% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किया गया। इसके साथ ही अब उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता 113% हो गया है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय इकाइयों में नियोजित अध्यापक संवर्ग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पंचायत सचिवों को भी मिलेगा। ये वृद्धि 1 जनवरी 2015 से की गई है। नेपाल के भूकंप प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज यहां नेपाल भूकंप प्रभावित के लिए 6,04,500 रूपये के चेक सौंपे गए। मुख्यमंत्री चौहान को नेपाल के भूकंप प्रभावित के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक विदिशा के सदस्यों की ओर से बैंक के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने 4,19,300 रूपये की सहयोग राशि का चेक सौंपा। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पुरस्कार को मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऊर्जा एवं जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सौंपा। बीते 4 साल से प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,423 मेगावाट क्षमता स्थापित हुई है, जो देश में सर्वाधिक है। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की संबंधित अधिकारियों के साथ आज समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं के सुरक्षित परिवहन एवं भंडारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में 8 लाख किसान से अब तक 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। प्रदेश में करीब 3,000 उपार्जन केंद्र पर गेहूं खरीदी का काम चल रहा है। विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के सभी जिले में 30 जून तक नोडल सेंटर स्थापित करें। सेंटर में इतनी सुविधाएं हों कि विद्यार्थी को विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये बात विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान कही। गुप्ता ने कहा कि मीटिंग करने और सर्कुलर निकालने में समय व्यर्थ करने की बजाय ठोस काम करें। उन्होंने विश्वविद्यालय में रिक्त पद शीघ्र भरने और पदों का युक्तिकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।